क्या आपने कभी सुना है कि कॉटन स्वैब से कानों को साफ नहीं करना चाहिए? यकीनन ज्यादातर लोगों ने ऐसा सुन रखा होगा। आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि कॉटन स्वैब हमारे कानों के लिए कैसे नुकसानदायक है और हमें क्यों इसे अपने कानों को साफ करने के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और ऐसा कौन सा तरीका है जिसके जरिए से हमारे कानों के अंदर मौजूद एयरवेक्स को रिमूव करना चाहिए। हमारे कान की एयर कनाल में कुछ स्पेशलाइज सेल्स मौजूद होते हैं जो कि सेरामाइन प्रोड्यूस करते हैं। सेरामाइन को एयरवेक्स भी कहा जाता है। एयरवेक्स एक नेचुरल सब्सटेंस है जो कि एसिडिक और ऑयली नेचर का होता है। इसकी प्रेजेंस की वजह से जर्म्स जैसे कि फंगस और बैक्टीरिया हमारे कान में ग्रोथ नहीं कर सकते और हमारे कान इन्फेक्शन से बचे रहते हैं। इसके अलावा एयरवेक्स के ऑयली नेचर हमारे कान को डस्ट और मॉइस्चर से भी प्रोटेक्ट करती है। वैसे तो हमें हमारे कानों में से एयरवेक्स रिमूव करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि एक तो ये हमारे कान को हेल्दी रखने का काम करती है और दूसरा हमारे कान के अंदर की स्किन कुदरती तौर पर एक्सेस एयरवेक्स को बाहर भेजती रहती है जो कि कान को धोने से साफ हो जाती है। मगर कुछ लोगों के कानों में एयरवेक्स चर्बत से ज्यादा प्रोड्यूस होती है जो कि सुनने की क्षमता में मुश्किलें पैदा करती है। क्या हो अगर कोई इंसान कानों को साफ करने के लिए कॉटन स्वैब का यूज करता है तो ये कॉटन स्वैब एयरवेक्स को कान के अंदर धकेल देता है, इसकी वजह से एयर ड्रम के पास एक प्लग सा बन जाता है और फिर ये एयरवेक्स नेचुरल मैकेनिज्म के जरिए कान से बाहर नहीं निकल पाती और वक्त के साथ साथ ड्राई और सख्त हो जाती है और हमारे सेंस ऑफ हियरिंग को भी कमजोर कर देती है। इसके अलावा कॉटन स्वैब एयर ड्रम को पंचर भी कर सकता है जिससे कि हियरिंग लॉस भी हो सकती है। इसीलिए कभी भी कानों को साफ करने के लिए कॉटन स्वैब का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आपको अपने कानों को साफ रखना है तो कानों में कुनकुना गर्म पानी डालकर वॉश करना सबसे बेहतरीन तरीका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।